आपको बताया हमारी ट्रेन थी रात को 11 बजे ऑलमोस्ट, पर हमारी ट्रेन लेट आई थी इसी वजह से ना, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। सुबह से ना ऐसे आँख भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि जैसे आपको बताया कल पूरे दिन हम लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, रात को ठीक से नींद भी नहीं आई क्योंकि ऐसा क्योंकि गर्मी हो रही थी, ट्रेन जो है ना 20 मिनट से लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग उड़ के जा रहे हैं, तो इसी वजह से नींद ना बीच बीच में खुल रही थी। तो अभी फाइनली हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और अब लोग वीडियो बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, प्लस मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने गेस किया है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कमेंट करके बता देना हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस ठीक से देखे होंगे तो मैंने ट्रेन भी आपको दिखाई है, उस पर आप गेस कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पर मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आपको स्टेशन पे जाके ही दिखाऊँगी हम कहाँ आए हैं। स्टेशन पे हम लोग पहुँचने वाले हैं रात शाम के 6 बजे। अगर ट्रेन क्रॉसिंग में हुई तो हम लोग पहुँचेंगे 6:30 इस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक होटल बुक नहीं किया है इसी वजह से। तो चलो आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो ये थी हमारी ट्रेन लोकमान ट्यूर टू तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल सिटी। चढ़ते चढ़ते मैं थक चुकी हूँ और यहाँ पे अभी बहुत भीड़ है। ये है एयर स्टेशन के बाहर के नज़ारे। यहाँ पे सारे रूम्स बुक है, आप यहाँ पे विजिट करने आ रहे हैं तो प्लीज़ आपके रूम्स जो है ना पहले से बुक करके आ जाइएगा, मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा। तो हमने एक छोटा सा एसी वाला रूम लिया है क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो रही है इस समय, शायद एक बार भी बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, देखते हैं कल होती कि नहीं है। फिर भी अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैंने ट्रेन में भी कुछ छूट नहीं किया, ट्रेन में इतनी गर्मी लग रही थी मैं आपको क्या ही बताऊं। मंदिर में दर्शन स्टार्ट होते 3:30 फिर 6:30 का है, हम लोग ट्राई करेंगे 6:30 का दर्शन अटेंड करने का ताकि हम लोगों का आगे का प्लान ठीक से बन पाए। तो अभी फिलहाल हम लोग फ्रेश हो जाते हैं और फिर आपसे मिलते हूँ। तो गाइस अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं डिनर के लिए जाने के लिए, और पीछे IPL चल रहा है। रिक्शा वाले भैया ने एक नज़दीक रेस्टोरेंट बताया था कि वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं, चलो डिनर के लिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करके आ गए हैं और डिनर हमने किया था अन्नपूर्णा होटल में, जो कि मैं आपको सुबह दिखाऊँगी। ये सिक्योरिटी पोस्ट देख रहे हैं, ये ना मंदिर के एंट्रेंस है, पता नहीं कौन सा वाला गेट है, कल आपको ठीक से बताएंगे। और कुछ ही देर आगे जाने के बाद हमारा होटल मिलता है, उसका नाम भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना, उस गेट के ठीक अपोजिट है अन्नपूर्णा होटल है, और वहाँ का टेस्ट ना गोवा के हिसाब से है,
मतलब हमारे टेस्ट के हिसाब से है, तो अच्छा लगा खाना खा के, पेट भी भर चुका है। अब हम लोग जाके डायरेक्टली सो जाएंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं ट्रेन की जर्नी में। आज गर्मी की वजह से हम लोग थक चुके हैं। तो लो जी, हम लोग पहुँच गए अपने होटल पे। तो अभी इधर चल रहा है IPL, तो मैं करूँगी अभी एडिटिंग। और एक मुझे बात बतानी थी, वो मैं भूल ही गई, अगर याद आया तो मैं आपको कल बताऊँगी। इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल से हमारा प्रॉपर वाला ट्रैवलिंग शुरू होगा, तो कल से आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मुझे मैंने वो वीडियो ऑलरेडी एंड कर लिया है, पर मुझे अभी याद आया तो मैं बताऊंगी। कल मैं फिर से ऑलरेडी मैंने वीडियो एंड कर लिया है तो मुझे याद आया, इसीलिए मैं अभी आवाज़ वो जो मैं आपको बताना चाहती थी ना, वो मुझे याद आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमने यहाँ पे आने के लिए एयर रूट लिया था गोवा। यहाँ पे देखो, गोवा से तिरुवनंतपुरम एक ट्रेन आती है डेली, उसका नाम है नेत्रावती एक्सप्रेस। माधुरी, उसका नंबर क्या है? 16345। हाँ, आपने सुना, 16345। ये ट्रेन डेली आती है, आपको डायरेक्टली तिरुवनंतपुरम स्टेशन पे उतारेगी, और वो तिरुवनंतपुरम स्टेशन ही उसका लास्ट स्टेशन है। आप रिक्शा पकड़ेगा और आप उनको बोलिएगा कि श्री पद्म स्वामी टेम्पल पे आपको वो लेके जाए, वो आपको लेके आएंगे। और वो होटल्स, वो रिक्शा वाले होटल्स ही बताते हैं। आपने बुक किया होगा तो आप वहीं पे जाके रुकिएगा, अगर नहीं बुक किया होगा तो आपको बताएंगे। रेलवे स्टेशन से टेम्पल के पास आने के लिए लगता है 50 रुपीज़ 2 पर्सन के लिए रिक्शा में। मैंने पहले ही आपको बताया जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं ये बहुत नज़दीक है टेम्पल के ना, आप ऐसी जगह ढूंढना जो टेम्पल के नज़दीक हो ताकि आपको दर्शन के लिए अच्छा हो और आप सुकून से दर्शन कर सकते हैं कल। तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं आप कल देखिएगा, तो यही आपको बताना था। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन इन डिटेल इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हम लोग कैसे गए, तो ये उनके लिए है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ। बाय।